हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट प्लम्बिंग सर्विसेज। और इसमें जो हम पढ़ रहे हैं आपका, वो हम सीरीज लेके आ रहे हैं क्वेश्चंस की। 120 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आ रहे हैं आपके लिए, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं UPBT के, जो आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो देखिए, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। PPR पाइप अधिकतम किस तापमान तक कार्य करता है? तो देखिए, PPR पाइप पहले हम जान लेते हैं। PPR पाइप होता क्या है? PPR पाइप होता है पॉलीप्रोपीलीन पाइप होता है आपका। तो देखिए, फिर है इसका ये जो होता है, ये क्या होता है, ये बहुत टिकाऊ पाइप होता है जो पॉलीप्रोपीलीन होता है। गर्म और ठंडे पानी ले जाने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। रासायनिक पदार्थों के लिए ये बहुत उच्च प्रतिरोध दिखाता है, इसलिए बहुत अच्छा होता है। चमकदार और चिकनी सतह होती है। और सबसे बड़ी बात, अगर इसमें हम पानी को ले जा रहे हैं, फ्रेश वाटर को, तो क्या होता है, उसका रंग, गंध और स्वाद नहीं बदलता। किसका? PPR पाइप का। फिर गर्मी और ध्वनि इंसुलेशन प्रदान करता है, और फिटिंग पे कोई डायमीटर ट्विस्ट नहीं होता, और अधिकतम प्रदर्शन प्रदान करता है। अब बात करते हैं इसकी, सबसे अच्छी बात है ये इको फ्रेंडली है, मतलब पर्यावरण के अनुकूल है। तो ये आपका PPR पाइप था। ये आपका देखिए, ये 20 डिग्री सेल्सियस से कम, अगर हम यहीं पे क्वेश्चन पूछते हैं न्यूनतम किस तापमान तक कार्य करता है, तो होता है 20 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, 95 डिग्री सेल्सियस तक क्या करता है, ये वर्क करता है। तो ये क्या है आपका, ये बहुत ज़्यादा अच्छा पाइप होता है। तो इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है, 95 डिग्री सेल्सियस तक ही प्लस है। प्लस इनके आगे आप एज्यूम कर लें, ये प्लस है, प्लस 95 डिग्री सेल्सियस तक क्या करता है, ये वर्केबल होता है। तो ये आपका पॉलीप्रोपीलीन पाइप होता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की फिटिंग का प्रयोग आसानी से विघटित और मरम्मत करने के लिए किया जाता है? तो वो कौन सी फिटिंग होती है आपकी? प्लग? नो, वो होती है कपलिंग। कपलिंग भी इसे हम नहीं कह सकते। तो देखिए, यूनियन फिटिंग जो होती है उसका करते हैं आसानी से विघटित और मरम्मत करने के लिए किया जाता है। यूनियन क्या होता है, देखिए एक प्रकार का फिटिंग उपकरण होता है, आप नट बोल्ट की तरह समझ सकते हैं इसे, ठीक। बीच में एक बोल्ट लगा रहता है और इसके अंदर, जैसे ये 3D में देखा, तो बीच में एक बोल्ट है और इसके अंदर इस तरह से एक छोटा सा बोल्ट लगा रहता है, दोनों तरफ इधर और इधर दोनों तरफ पाइप लगाए जाते हैं। तो ये सील होती है एक तरह से, छोटे व्यास के पाइप को जोड़ने के लिए यूज़ की जाती है। और इसका क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि जो ये आपका होता है ना, कि जैसे ये पाइप का बीच में सिरा है, इसको फिक्स रहता है ये, और इधर पाइप जोड़ देते हैं, ठीक। ये आपका स्टील, एल्यूमिनियम, ब्रॉस, इन सब में आपका मिल जाता है मटेरियल में। तो ये यूनियन फिटिंग जो होती है, छोटे पाइप की आसानी को यूज़ करने के लिए की जाती है, जोड़ने के लिए और मरम्मत करने के लिए और फिटिंग करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। फिर आता है, ठंडे पानी को ले जाने के लिए किस पाइप का अधिकतम प्रयोग होता है? देखिए, हमने पढ़ा था PPR पाइप भी जो है ठंडे और फ्रेश वाटर यूज़ ले जाने के लिए आता है, बट अधिकतम पूछा है, इन्होंने पूछा है कि अधिकतम किस पाइप का यूज़ होता है ठंडे पानी को ले जाने के लिए। तो वो आपका क्या है, देखिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए है, PVC पाइप। PVC पाइप जो होता है, देखिए आपका वो क्या होता है, आपका पॉलीविनिक्लोराइड पाइप होता है ये। और इसका जो मेन वर्क रहता है, PVC पाइप का जो यूज़ करते हैं वो ठंडे पानी को ले जाने के लिए मोस्टली करते हैं। क्यों इसको यूज़ करने के क्या कारण है, देखिए इसका जो डिज़ाइन पीरियड है वो 100 ईयर है, मतलब डिज़ाइन जिस 100 सालों तक ही चल सकता है। भूमिगत पाइपों के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और जो इसकी सामग्री है वो अन्य सामग्रियों की तुलना में बहुत कम विफलता दर है और अधिक लागत प्रभावी है। सबसे अच्छी बात जो है इसकी, ये पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसमें कम कार्बन यूज़ होता है, ठीक। कम कार्बन वाला प्लास्टिक पाइप होता है ये, और इनके निर्माण के लिए कम ऊर्जा संसाधनों की भी आवश्यकता होती है, और इनका ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो परिवहन जो है वो भी इसका ईजी है, तो इसलिए क्या करते हैं। और रिसाव दर इसकी बहुत कम होती है। ये बहुत सारे फ़ायदे होते हैं इसके, आप जब PVC पाइप के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना ही पढ़िए कि PVC पाइप जो होता है वो ठंडे पानी के लिए यूज़ करने के लिए मोस्टली यूज़ होता है, ठीक। देन राइट आंसर इज़ ए। फिर है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, जीआई पाइप में चूड़ी काटते समय कौन सी सावधानी बरती जानी चाहिए? तो ये जीआई पाइप की बात करें, कार्बनाइज आयरन पाइप की, तो चूड़ी को एक वायर ब्रश से साफ करें, नहीं, चूड़ी काटते समय सावधानी बरतने को बोल रहे हैं ये, घुलनशील तेल लगाए, नो, ठीक है, चिप्स को तोड़ने के लिए डाई स्टॉक को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। देखिए ये है, जब हम इसको गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप को काटते हैं तो हमें इस सावधानी का जो है उस यूज़ रखना चाहिए, चूड़ी काटते हुए उसमें जो चिप्स हैं उनको तोड़ने के लिए डाई स्टॉक जो होती है आपकी उनको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, तभी आपकी चूड़ी ठीक से कटेंगी, डाई स्टॉक पे थोड़ा दबाव डालें, नो, राइट आंसर इसका ऑप्शन सी। फिर है, कौन सा वाल्व केवल एक ही दिशा में प्रवाह की अनुमति देता है? अभी आगे वाल्व से रिलेटेड क्वेश्चन, तो पूछ रहे हैं कौन सा वाल्व केवल एक ही दिशा में प्रवाह की अनुमति देता है, तो वो होता है आपका चेक वाल्व। कौन सा? चेक वाल्व। देखिए चेक वाल्व जो होता है आपका, वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो के लिए आपको अलाउ करता है, आपको मतलब पाइप को, ठीक। तो इसमें पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, पाइपलाइन में एयर रिलीफ वाल्व कहाँ फिक्स किया जाता है? पाइपलाइन में एयर रिलीफ वाल्व, आपने पढ़ा होगा, वाल्व पढ़े थे, इनमें से एक एयर रिलीफ वाल्व भी था जो एयर को क्या करता है, रिलीज करता है। तो ये होता है आपका कहाँ? न्यूनतम बिंदु पर, नहीं, पाइपलाइन के अंत में नहीं, वहाँ भी जरूरी नहीं, अवसादों पर नहीं, ये होता है उच्चतम बिंदु पर, ठीक। उच्चतम बिंदु पर हम लगाते हैं क्या? एयर रिलीफ वाल्व। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, गली ट्रैप में पानी की सील क्यों दी जाती है? देखिए गली ट्रैप आपने पढ़ा होगा, तो गली ट्रैप क्या होता है आपका, तो जैसे गली ट्रैप जो होता है वो आपका, आपने नॉर्मली देखा होगा कि सीवर जो मेन सीवर होता है, मेन सीवर से जो गली सीवर निकलते हैं, ठीक, जो आपके, आप कह सकते हैं आपके घर के आगे जो सीवर होगा, तो उस सीवर से आपके घर में जो पाइप आएगा या आपका पाइप आ जाएगा, तो वहीं पर क्या है, उनके जॉइंट पर लगा होता है आपके घर में, आपके एंट्री की बात करिए घर में, वहाँ लगा होता है आपका गली ट्रैप। इसमें वाटर सील कितनी रहती है? 50 mm जो है पानी इसमें हमेशा रहना चाहिए। इसका बग क्या रहता है, देखिए इसलिए दी जाती है ताकि जो फाउल गैसेस हैं जो सीवर से जो होती हैं जो निकलती हैं, ठीक, उन गैसों को घर में अंदर आने से रोकता है, तो टॉक्सिक गैसेस को घर में अंदर आने से रोकता है, गंध को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो राइट आंसर उसका ऑप्शन है, फाउल गैसों को प्रवेश से रोकता है, ठीक, गली ट्रैप का यूज़ इसलिए किया जाता है। फिर है, पीवीसी पाइप के दो फायदे बताइए। अभी तो आपको पीवीसी पाइप के सारे फायदे बताए थे। पीवीसी पाइप क्या होता है, देखिए हल्के वजन में होता है और ये जंग रहित होता है, ठीक, हल्का वजन और जंग रहित, क्यों? पॉलीविनिल क्लोराइड, ठीक, तो उसमें जंग तो लगती ही नहीं है, तो इसका सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है? अच्छा, ये किफ़ायती भी होते हैं, ड्यूरेबल भी होते हैं, क्योंकि इनका डिज़ाइन पीरियड जो होता है वो 100 ईयर होता है, 100 ईयर तक की वर्क करते हैं, और इन्हें भूमिगत में भी हम यूज़ करते हैं, तो फ्रेश वाटर ठंडे पानी के लिए ये मोस्टली यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है, कास्ट आयरन पाइप में किस प्रकार का जॉइंट होता है? तो कास्ट आयरन पाइप में अब है सॉकेट एंड स्पाइकॉच, हमने जॉइंट्स की क्लासेस ली थी तो हमने पढ़ा था सॉकेट जॉइंट और स्पाइकॉच जॉइंट क्या होते हैं, ठीक, तो इसका होता है सॉकेट एंड स्पाइकॉच जॉइंट इज द राइट आंसर। फिर आता है आपका सॉल्वेंट सीमेंट, नो, सॉल्वेंट सीमेंट जॉइंट जो होता है वो कास्ट आयरन पाइप में नहीं होता, स्क्रीव भी नहीं होता, एडहेसिव भी नहीं होता, तो ये क्या है, गलत है। सॉकेट एंड स्पाइकॉट कैसे होता है, देखिए एक जो पाइप रहता है, किसी भी पाइप में क्या होता है, जो कास्ट आयरन के होते हैं जो सॉकेट एंड स्पाइकॉट तकनीक से जुड़े जाते हैं जॉइंट से, उनमें एक पाइप का जो रहता है, एक पाइप के साइड बाहर पे चूड़ियाँ कटी होती हैं, एक साइड पे पाइप की और एक साइड पे अंदर की ओर, तो क्या होता है, अब जैसे ये अंदर की चूड़ियाँ कटी हैं तो इसमें क्या जोड़ देंगे, बाहर वाले जो है जोड़ देंगे, तो जिसमें अंदर की ओर चूड़ी कटी हुई है वो सिरा उसमें जोड़ देते हैं, इस तरह से वांछित लंबाई हमें प्राप्त की जाती है, उसको कहते हैं सॉकेट एंड स्पाइकॉट जॉइंट, ठीक। फिर है आपका, कंक्रीट पाइप कॉलर जॉइंट में मोर्टार बनाने के लिए सीमेंट और रेत का अनुपात क्या होता है? कंक्रीट के जो पाइप होते हैं उनमें कॉलर जॉइंट होता है, ठीक, अगर आपने जॉइंट्स पढ़े हैं तो हमने आपको वीडियोस में बताया था, कंक्रीट के जो पाइप होते हैं उनमें कॉलर जॉइंट होता है, और उसमें जो मोर्टार यूज़ होता है उसके सीमेंट और रेत का अनुपात क्या होता है, 1:1, ठीक। तो ये था आपका क्या, पाइप फिटिंग से रिलेटेड 10 questions, आगे आपको इससे रिलेटेड 10 questions नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और ये हमारी 120+ questions की सीरीज
चल रही है। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।